अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। काफ़ी लोग जो है इस टूल को देखते ही समझ गए होंगे कि ये जो टूल है ये किस बारे में टूल है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो टूल है ये किसके यूज़ में आता है। एक्चुअली में ये जो आप टूल देख पा रहे हैं इसका नाम है UPA। ये जो टूल है आपकी मीटर की रीडिंग को कम या ज़्यादा करने में यूज़ में आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि इसकी मदद से आप किलोमीटर जो है उसको कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो। तो इसके साथ आपको काफ़ी सारी केबल्स, चिमटी और ये प्लेट वगैरह मिलती है जिसकी मदद से आप किलोमीटर जो है मीटर की रीडिंग को उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टूल को आपको कैसे यूज़ करना है। ये जो आप काफ़ी सारी केबल्स और चिमटी देख पा रहे हैं इसको जो है हम लोग मीटर से कनेक्ट करके फिर UPA से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा किलोमीटर जो है यानी कि मीटर की रीडिंग जो है उसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कुछ मीटर में हम लोग किलोमीटर की रीडिंग जो है उसको कम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको इस डिवाइस को यूज़ करना है और इसके सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और इसमें जो है आपकी कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो इस डिवाइस में दी गई है, आप कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है इस डिवाइस की मदद से उसकी रीडिंग को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप ये डिवाइस हमसे परचेज़ करते हैं तो हम ऑनलाइन एनीडेक्स या टीम व्यूअर के थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करा देंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले इसे हमें एक्टिवेट करना होगा, तो इसे हम जल्दी से एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये हमारा एक्टिवेट अब हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ मीटर्स हम लोग लेंगे उसको हम लोग किलोमीटर को कम करके आपको दिखाते हैं कि इस डिवाइस की मदद से हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो कर सकते हैं। तो इसके साथ जो आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आपको हैक्स जो है वो भरने की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आप देख सकते हो इसमें जो है काफ़ी सारे कार्स जो है दी गई है, आपकी जहाँ तक हो गई मारुति, हुंडई, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, काफ़ी सारी कार्स दी गई है। आप इस टूल की मदद से बाइक का भी जो मीटर है वो भी कम कर सकते हो। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो बाइक है उनके ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। बाइक के साथ साथ आप जो है इसमें ट्रक्स के भी मीटर जो है इस टूल की मदद से कम कर सकते हो उनकी रीडिंग। तो चलिए मैं आपको एक कॉमन सा मीटर लेता हूँ स्कॉर्पियो का और उसकी रीडिंग जो है उसको हम लोग कम करके आपको दिखाते हैं कि उसको आपको ईजिली 2 मिनट में आप कैसे उसकी रीडिंग जो है वो कम कर सकते हो इस डिवाइस की मदद से। यहाँ वीडियो पे देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रक में भी आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये आप देख पा रहे हो ट्रक्स में भी जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है आपको दिए गए, काफ़ी सारे ट्रक का मीटर भी आप इस टूल की मदद से कर सकते हो। तो चलिए हम लेते हैं स्कॉर्पियो का मीटर। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उसकी रीडिंग कितनी है। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम लोग ऑन करते हैं, ये आप देखो इसकी रीडिंग 227903 इसमें आ रही है। अब जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग दोबारा से ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ईजिली आप कैसे 2 मिनट में इसकी रीडिंग जो है चेंज कर सकते हो आप। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा ओपन हो गया है। अब जो है इसमें हम लोग चूज़ करेंगे महिंद्रा में, उसके बाद जाके स्कॉर्पियो। तो ये आप देख सकते हो हमारा ऑप्शंस खुल गया है। यहाँ हम चूज़ करेंगे कार में, डैश में, उसके बाद जो है यहाँ कार में, उसके बाद यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा महिंद्रा। तो महिंद्रा जो है हमारा नीचे, हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें आप देख सकते हो वीडियो में, काफ़ी सारे कार जो है इसमें दिया गया है। तो आपको नेम वाइज दिया गया ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ हम चूज़ करेंगे महिंद्रा। महिंद्रा में भी आप देख सकते हो बुलेरो, स्कॉर्पियो, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हमें चूज़ करना है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में ये हमारा MCU जो है इसका ये नंबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ये हमने चूज़ कर लिया। अब जो है अब हम लोग इसको रीड करेंगे। रीड करते ही जो हमारी रीडिंग है मीटर की वो आ जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसको रीड किया, ये रीड हो रहा है।
ये आप देख सकते हो रीडिंग हमारी आ गई, इसकी जो फाइल है इसे सेव करने के लिए ऑप्शंस भी जो हमारा खुल गया। तो इसकी जो फाइल है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें काम आ सके, या फिर अगर इसकी फाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दोबारा से इसकी ओल्ड फाइल जो है उसको हम लोग राइट कर सके। तो इसकी फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। अब जो है इसकी रीडिंग जो है उसको हम लोग चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो इसकी रीडिंग जो है वो हम लोग इसमें रखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 51,115 इसकी रीडिंग हम लोग रख लेते हैं इस पर। इसको बस आपको अप्लाई करना है और फिर राइट पे क्लिक कर देना। इस पर जो है आपको हैक्स भरने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आपको राइट करते ही लगभग 15 सेकंड में ये प्रोग्राम हो जाएगा। ये आप देख सकते हो प्रोग्राम हमारा हो गया, अब ये वेरीफाई कर रहा है, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में कि रीडिंग जो है इसकी चेंज हुई या फिर नहीं हुई। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये आप देखो रीडिंग जो है एग्जैक्ट आ गई। 2 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको इस टूल की मदद से रीडिंग को चेंज करने में। मैं आपको दोबारा से एक बार इसकी रीडिंग जो है उसको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये हमने अप्लाई किया, ये राइट पर क्लिक किया, ये हमने यस किया, अब जो है प्रोग्राम हो रहा है। ये आप देख सकते हो प्रोग्राम होते टाइम इसमें जो है डिवाइस में ये वाली लाइट जो है आपकी जलेगी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, अब ये वेरीफाई हो रहा है, तो दोबारा से रेड वाली लाइट जो है इसमें आ रही है। ये वेरीफाई हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में कि हमारी जो रीडिंग है वो चेंज हुई या फिर नहीं हुई। तो मीटर को हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये जो हमारा दूसरा मीटर है ये आप देख सकते हो रीडिंग जो है एग्जैक्ट चेंज जो हमने की थी वो रीडिंग इसमें आ गई। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 मिनट से भी कम समय में आपकी जो रीडिंग है मीटर की वो चेंज हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारे पास महिंद्रा हो गई, मारुति, टाटा, फोर्ड, हुंडई, इनमें जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं आपकी हो जाएंगी इसमें। जैसा कि आप देख सकते हो मारुति में काफ़ी सारी जो इसमें गाड़ियाँ हैं वो इसमें दी गई है। सबसे कॉमन गाड़ी जो है मारुति में ऑल्टो जो है वो भी आप इसकी मदद से इजीली कर सकते हो, और जो है न्यू मॉडल जो स्विफ्ट आ रही है आपकी वो भी इस टूल्स की मदद से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम मारुति के बाद टाटा में। तो टाटा में भी आप देख सकते हो टाटा में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। टाटा में जैसे आपकी टाटा एल्ट्रॉज हो गई, टाटा नेक्सॉन हो गई, वो सब भी जो मीटर है वो आप इस टूल की मदद से ईजिली कर सकते हो। टाटा के बाद हम आते हैं अब इसमें फोर्ड में। तो फोर्ड में भी आप देख सकते हो फोर्ड में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। फोर्ड के साथ साथ आपकी हुंडई हो गई, होंडा की कुछ गाड़ियां हो गई, वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके बाद आपको एक होंडा सिटी का जो मीटर है उसको भी रीडिंग जो है उसकी पीछे करके आपको दिखाता हूँ कि उसकी रीडिंग जो है उसको भी आपको कैसे कम करना है। तो ये आप देख सकते हो हुंडई में हम आते हैं। तो हुंडई में भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, i20, क्रेटा वगैरह जितनी भी है आपकी सारी जो है इस टूल की मदद से आपकी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आते हैं होंडा सिटी के मीटर में। तो ये रहा हमारा होंडा सिटी का मीटर, इसकी रीडिंग आप देख सकते हो 29873 आ रहा है। तो इसकी रीडिंग जो है इसको हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले इसकी रीडिंग को हम लोग रीड करेंगे, सेम प्रोसेस है, ऑप्शंस में जाके आपको सेलेक्ट करके बस रीड करना है। रीडिंग जो है ये अपने आप ही आपकी उठा लेगा। तो ये आप देख सकते हो इसकी जो रीडिंग है ये हमारी आ गई है। तो इसकी रीडिंग हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसकी रीडिंग जो है ये हम लोग रख देते हैं 12345, और इसको फिर हम लोग राइट कर देते हैं। ये हमने यहाँ अप्लाई किया और फिर राइट कर दिया। ये आप देख सकते हो राइट पर क्लिक किया, यहाँ यस कर दिया, विद इन 15 सेकेंड आपका जो है ये राइट हो जाएगा। तो राइट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि रीडिंग जो है वो चेंज हो रही या फिर नहीं हो रही। ये जो टूल है UPA, इसकी मदद से आप लगभग आपका 80-85% कार का मीटर जो है वो आप उसकी रीडिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। आपका 80% मीटर जो है कवर हो जाएगा इससे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रीडिंग। ये आप देख सकते हो इसकी रीडिंग जो है चेंज हो गई, 12345 इसकी रीडिंग आ रही है। अब मैं आपको एक टाटा सुमो गोल्ड का जो मीटर है उसकी भी रीडिंग चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अब बात रही इस टूल के बारे में कि इस टूल को आपको कहाँ से परचेस करना है, कैसे परचेस करना है,
और इसको आपको यूज़ करने का तरीका हो या फिर हेल्प और सपोर्ट हो वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भी हम लोग आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये आप देख सकते हो रीडिंग हमने चेंज की, इसके मीटर में जो रीडिंग आ गई। इस टूल को आपको परचेज करने के लिए आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस टूल के साथ आपको काफ़ी सारे केबल्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा जिसकी मदद से आप रीडिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बात रही हेल्प या सपोर्ट की, तो आप अगर इस टूल को हमसे परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको लाइफ टाइम सपोर्ट जो है वो फ्री रहेगा। यानी कि सपोर्ट आपको ऐसा मिलेगा कि अगर आप किसी मीटर में फंस गए कभी या आप मीटर आपसे नहीं हो रहा तो वो हम खुद आपको करा कर देंगे। विथ एनी डेक्स या टीम व्यूअर की मदद से आपका मीटर जो है वो हम करा कर देंगे, ऐसा आपको सपोर्ट मिलेगा। अब मैं अगर बात करूँ इस टूल के प्राइस की, तो प्राइस जो है ये आपको वीडियो पे दिख रहा होगा कि इसकी प्राइस जो है विथ सपोर्ट कितनी है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस टूल को ख़रीदने के लिए वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।